जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ 108 वरदानों की वो अद्भुत सीरीज लेकर जो आपको बताएगी आपकी जन्म कुंडली में परमपिता परमात्मा ने आपको क्या वरदान दिया है, क्या वरदान छुपा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, जिसे ज्ञात कर आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखकर बहुत आराम से पता कर सकते हैं कि आपको परमपिता परमात्मा ने इस जन्म में ये वरदान देकर भेजा है और उस वरदान के शुभ फल आपकी जिंदगी में आपको क्या मिलने वाले हैं या क्या मिल रहे हैं, उन सभी चीजों को आप जान सकें। तो प्रिय भक्तगणों, आज मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष उस आठवें वरदान को लेकर कि वो आठवां वरदान जो परमपिता परमात्मा ने आपकी पूजा अर्चना तपस्या से पिछले जन्म में आपको बख्शा था, परंतु उसका शुभ फल उस जन्म में आपको नहीं मिल पाया था। उस वरदान के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। इस चर्चा से पूर्व मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया तो उस बेल के आइकन को दबाकर, जो कि आपको नोटिफिकेशन देगा, आपको घर बैठे पता चलता रहेगा मैंने आप लोगों के लिए कौन सा नया वीडियो बनाकर आपके समक्ष भेजने की कोशिश की है, आपको वो जानकारी स्वतः ही घर बैठे आपके मोबाइल में आपको प्राप्त होती रहेगी। तो वो आठवां वरदान आपकी जन्म कुंडली में है लॉन्ग लाइफ का, लंबे जीवन का वरदान कि आपकी उम्र कम से कम 85 वर्ष या उससे अधिक हो, आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। उस वरदान का ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा, उस विषय में जानने के लिए आज हम आपके समक्ष इसकी डिटेल लेकर आ रहे हैं कि आपको वो कौन सा वरदान प्राप्त है जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो जीवन है, आपकी जो उम्र है, वो परमपिता परमात्मा ने आपको एक लंबा सुखमय जीवन बख्शा है। आठवें वरदान के रूप में परमपिता परमात्मा ने आपको एक स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने का वरदान आपकी जन्म कुंडली में छुपा रखा है, जिसे ज्ञात कर अगर आपको कोई वरदान आपको पहले से ही प्राप्त हो जाए तो आप उसका पूर्ण आनंद ले सकते हैं। तो वह वरदान को जानने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे ज्ञात होगा कि आपकी जन्म कुंडली में परमपिता परमात्मा ने आपको यह वरदान बख्शा था। तो इसके लिए आपको देखना है सूर्य की स्थिति क्या है आपकी जन्म कुंडली में। जय शनि देव जी, मैं हरविंदर सिंह, पंजाब जलंधर से। मैंने गुरु रजनीश जी से, जो शनि पीठ मंदिर दिल्ली से है, उनसे कनेक्ट किया। मुझे पैरानॉर्मल और बुरी नज़र और बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम थी, भौतिक प्रॉब्लम थी, दुश्मन कारगर थे ज़्यादा, तो दुश्मन बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया, उनके साथ वीडियो कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने मुझे दिल्ली से 6 रिंग्स तैयार करके भेजी। उसके बाद मैंने वो रिंग पहनी और बहुत उससे फ़ायदा हुआ, 3 रिंग खो भी गई। तो अभी मैं दोबारा गुरु रजनीश जी से कनेक्ट किया है, दोबारा मुझे वो रिंग बना के भेजेंगे और उससे मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलूँगा। नमस्ते, जय शनिदेव। मैं मिथुन चौधरी, मैं मलेशिया से ये वीडियो बना रहा है। पहला बहुत टेंशन था हमको, और फिर मैंने एक दिन गुरु रजनीश जी का मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा और फिर मैंने कांटेक्ट किया, तो बोला कि गुरु रजनीश जी से वीडियो कॉल करने के लिए एक अपार्टमेंट बुक करना पड़ेगा। फिर मैंने अपार्टमेंट बुक किया, फिर मैंने गुरु जी से फेस टू फेस बात किया। गुरु जी ने बोला रिंग पहनने के लिए, मैं अभी रिंग पहनना है,
मेरा पहला बहुत टेंशन था, अभी धीमे धीमे करके बहुत हैप्पी हो रहा है मेरा मन। मैं भी अभी हैप्पी है, बहुत खुशी लग रहा है कि गुरु रजनी जी से गप करने और रिंग लेकर मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रहा है, बहुत खुशी हूँ मैं। गुरु रजनी जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता है। आगे जाके मैं बहुत विश्वास कर रहा है कि मेरा सब काम अब सफल होगा। मैं अभी 26-27 ईयर का, आप लोग का टेंशन है गुरु रजनी जी से यूट्यूब में नंबर रहे कॉन्टैक्ट करके आप लोग सब टेंशन का दूर कर, मेरा 100% है गुरु जी ने उपाय बताएगा आप करेगा तो आपका टेंशन 100% मेरा विश्वास है आपका टेंशन दूर हो जाएगा। जय शनिदेव गुरु जी। नमस्ते। जय शनिदेव, जय गुरु जी, जय गुरु माँ। गुरु माँ क्या बताऊँ आपको, बात मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। गुरु माँ आप तो मेरी प्रेरणा हो, मैं जो खोया उससे ज़्यादा मुझे मिला है, आप जैसा माँ आप जैसा गुरु मिला है मुझे, उससे ज़्यादा क्या। तो आपको मैं हमेशा हर समय देखती हूँ, रात को भी नींद ना आए तो आपको मोबाइल पे आपको फोटो देखती हूँ बस। मैं तो मुरझा ही थी, आपने मुझे खिलखिला दिया, मेरे जो टेंशन थी टेंशन एक जगह, मैं एक जगह अभी रहती हूँ। गुरु माँ मैं जो खोया हूँ ना उससे ज़्यादा मुझे मिला है, गुरु माँ मिला है, गुरु जी मिला है। माँ हमेशा हम लोग के साथ में रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो जब मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, जो मत छोड़िएगा, यही मेरे मैंने प्रार्थना है आपसे। सत सत कुटी प्रणाम, जय गुरु जी, जय गुरु माँ। और गुरु माँ कांति जी से भी थैंक्स बोलना, मुझे उन्होंने मुझे मिलाया आपसे। जय गुरु माँ, मैं आपसे हमेशा आई लव यू माँ। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने बच्चों के ना पढ़ने से या ना अच्छे नंबर लाने से, अपनी नौकरी में नौकरी मिलने से ना मिलने से या प्रमोशन ना होने से, शादी विलंब से होने से ना हो पाने से या शादी होकर तलाक की नौबत आने से, घर में कलेश रहने से, संतान का सुख विलंब से या ना प्राप्त होने के कारण, या व्यापार में घाटा होने के कारण, या अपने स्वयं का मकान या स्वयं का वाहन ना होने के कारण, या स्वयं का व्यापार या स्वयं का ऑफिस नहीं होने के कारण, या किसी अन्य कारण से बीमारी कोर्ट कलिश वगैरह अन्य किसी कारण से किसी भी रूप में, या अपने प्रेमी को प्राप्त करने में असफल है, यानी उसके प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे एक अपॉइंटमेंट लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से हमसे संपर्क स्थापित कर सकता है। निश्चित रूप से हम इसके लिए एक छोटी सी फीस रखी हुई है, वह फीस बहुत ही शुभ कार्यों में, यानी भगवान के प्रसाद वितरण में, जो हम लगातार हर शनिवार को हर मंगलवार को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर चलाते हैं, उस प्रसाद के वितरण में, एवं गरीब लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो पिछले 10 सालों से हमने इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है, जिसमें हम उन्हें मल्टीमीडिया का कोर्स कराते हैं और निःशुल्क कराते हैं, और साथ में आपके द्वारा दिए गए पैसों से उनको स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, उस कार्य में प्रयुक्त की जाती है। तो जो भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की समस्या से कहीं भी कैसे भी परेशान है, तो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप मुझसे, गुरु मां रुक्मणी से, या स्वामी राज ऋषि से अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का हल जान सकते हैं। अगर आपका सूर्य सप्तम भाव में स्वग्रही होकर, यानी अपने घर में, यानी सिंह राशि में, या मित्रों के घर में, मित्रों के साथ या बिना मित्रों के, उच्च अंशों के साथ, यानी 14-15 अंशों से लेकर 22-23 अंशों के बीच में स्वस्थ होकर, मजबूत होकर,
शत्रु से दृष्ट ना होकर बैठा हुआ, यानी शत्रु से नहीं देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप दीर्घायु होने का वरदान परमपिता परमात्मा से प्राप्त करके आते हैं, एक सुख में और दीर्घायु जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपका सूर्य आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, उच्च अंशों के साथ बैठा हुआ है, अपने ही घर में या मित्र के घर में बैठा हुआ है, अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है या अकेला ही बैठा हुआ है, या मित्रों के घर में भी अकेला ही बैठा हुआ है, तो यह वरदान आपको प्राप्त होता है कि आप एक सुख में और दीर्घ आयु जीवन जीकर, जिसकी जो उम्र होती है 85 वर्ष से अधिक की होती है, वह जीवन आप आनंद के साथ जी सके। इसी प्रकार से मेरे इस 108 वरदानों की सीरीज के हर वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक आखिर तक अवश्य देखें, जिससे आपको पता चल सके, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखकर जान सकें, या अपने परिवार या अपने बच्चों की जन्म कुंडली को देखकर जान सके कि उनको या आपको क्या क्या वरदान परम पिता परमात्मा ने देकर इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक में भेजा है। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।